हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? सब ठीक है, बढ़िया। प्रीमियम डबल डेकर आ गई जी हमारे पास। प्रीमियम डबल डेकर ट्रेन जर्नी विद डिलीशियस RIRCTC हमारे पास, मतलब पाकिस्तान में आ गई है भाई। पाकिस्तान में आ गई है, इंडिया में भाई। मैं खुश हूं, पाकिस्तान में तो हमारे पास वीडियो आ गई, वीडियो आ गई है, वीडियो आ गई हमारे पास। मैं समझ गया पाकिस्तान में भी आ गई है। ट्रेन है जी डबल डेकर इंडिया की है, देखते हैं। फर्स्ट टाइम देख ले डबल डेकर ट्रेन। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आपने अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं कर रहा था नई नवेली वंदे भारत, जो कि कासरगोड से त्रिवेंद्रम तक चलती है, उसका इनॉग्रल जर्नी। बट बीच में तिरूर में ही हमें छोड़ना पड़ा। अब वो क्यों छोड़ना पड़ा, आप जाके लास्ट वीडियो देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल अभी मैं हूँ तिरूर में, और ये कोई ग्रैंड पॉप बोलकर कैफेटेरिया, यहीं आ गए थे हम लोग कुछ हल्का फुल्का चाय कॉफ़ी। हॉर्लिक्स, यहाँ का हॉर्लिक्स बहुत ही अच्छा होता है, और खास करके परोठा, परोठा और क्या भाई, कौन सा करी, चना करी, सोल करी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। यहाँ का परोठा जरूर ट्राई करना, और साथ ही हॉर्लिक्स भी यहाँ का। फिलहाल अभी हमारा ट्रेन है कोयम्बटूर के लिए, तो जा रहे हैं हम लोग। कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं करेंगे ट्रेन में, लेकिन हाँ दिखा देंगे अपने अंदर से कौन सा ट्रेन है, किससे जा रहे हैं हम लोग। 3 या 3.5 घंटे का जर्नी है, रेस्ट करते हुए जाएंगे। सुबह से रेस्ट हुआ नहीं है, भागते हैं फटाफट। वैसे देख लो टाइम, 6:07 हो रहा है, 6:30 का अपना ट्रेन है। सामने स्टेशन है, देख लो, जाता है स्टेशन, देख लो जी, यही है तिरूर रेलवे स्टेशन। बाहर से कुछ ऐसा लुक है। हाँ जी, तो अभी हम लोग अपने ट्रेन में तो आ गए हैं, और कुछ है नहीं, देखो रात हो गया है, बाहर भी कुछ दिखाने को है नहीं। और बिल्कुल 150 किलोमीटर का हमारा जर्नी है, तो जो नींद पूरा नहीं हुआ है उसमें 3 घंटे लगेंगे हमें। बाय द वे मैं बता दूँ, कोयम्बटूर जाने में हमें 3 घंटे लगेंगे, तो नींद उतना पूरा हुआ नहीं है, तो वही अपना सभी नींद लेंगे। नहीं बस सभी को आते ही पसर गए भाई, किसी के अंदर कुछ हिम्मत नहीं बचा हुआ है। लो जी, अभी हम लोग डिबोर्ड कर चुके हैं अपने ट्रेन को, और अभी जा रहे हैं हम लोग कोयम्बटूर। ये वैसा कोयम्बटूर स्टेशन नहीं है, ये क्या स्टेशन है भाई, तो कोयम्बटूर से वही 4-5 किलोमीटर दूर है। और वैसे देख लो आज स्काई कितना क्लियर है, अभी 60 FPS में कर रहा हूँ तो दिखेगा नहीं। रूम जाते देख लो, यही हमारा ट्रेन था, मंगलुरु सेंट्रल से MGR चेन्नई तक ये जाती है। फिलहाल अभी हम लोग जाते हैं होटल। हाँ जी, तो कोयम्बटूर पहुंचने के बाद अभी हम लोगों ने होटल जस्ट चेक इन किया था, सामान फेंके और बाहर आ गए, क्योंकि भाई बहुत जोर भूख लगा था। अभी वैसे टाइम देख लो, रात का 11:35 हो रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग खा रहे हैं डोसा, वो परोठा है, डोसा एक चीज़ है। अभी हमारा फिल्टर कॉफी और या फिर चाय से मन भाग गया, जब से सत्या भाई ने एक बार हॉर्लिक्स पिला दिया है। भाई साउथ में जब भी आते हो ना, फिल्टर कॉफी वगैरह चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कभी हॉर्लिक्स ट्राई करके देखना। अब न्यू टेस्ट लग गया है मुंह में, बाहर एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह 4 या 5 बजे हमारा ट्रेन है, वो भी एक टेंशन है। वो ट्रेन कहीं से आता है कि यहीं से जाता है, लेट होने का भी चांसेस नहीं है। चलो कोई नहीं, हाँ वो ट्रेन हम लोग लेते हैं कि नहीं वो आपको कल नहीं इसी वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी डिनर इन्जॉय करते हैं, फिर जाते हैं रूम। हाँ जी, तो कल रात में तो होटल जाके मैं सो गया था, और सुबह 5:40 का अपना ट्रेन था। भाई नींद वींद खराब करके भागते भगाते अभी हम लोग स्टेशन पहुंचे हैं, और आज हमारा काफी स्पेशल ट्रेन जर्नी होने वाला है, वो जाके दिखाते हैं। तो यही अपना कोच है, देखो C5, ये वैसे डबल डेकर है, देखकर आपको पता चल रहा होगा। अभी रात है ना, फाइनली अपने सीट पे तो आ गया। वैसे अपना सीट नंबर है 11, 12, 13, 14। और एक चीज है, देखो अपना तो लगेज था, तो लगेज हम लोगों ने बाहर की तरफ रखा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि देखो अंदर की तरफ जो है ना, काफी छोटा छोटा जगह सब बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये बैग है लवली का, आइडिया लगा लो, इसमें कुछ जाएगा ही नहीं, मजबूरी में रखना पड़ा मेरा। फिर भी छोटा वाला आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है, फिर भी ये बाहर की तरफ निकला जाएगा। तो ये कुछ सीन है, अगर आप लगेज लेकर आ रहे हो तो बाहर की तरफ रखना पड़ेगा। ऊपर भी सेम होगा, जो मिडिल वाला सीट होता है ना उसमें आप रख सकते हो, लेकिन खुद के रिस्क पे। ऑलराइट, तो देख लो अंदर का कुछ ऐसा इंटीरियर है, जैसा कि आपको पता है मैं ट्रेवल कर रहा हूँ डबल डेकर ट्रेन पे, तो इसका देख लो ऐसा ही होता है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। मुझे सबसे बढ़िया लगता है ये वाला मिडिल वाला, सामान एटलीस्ट रख पाते हो आप आराम से। ऊपर की तरफ भी ज्यादा बेटर होता है, लेकिन अपना नीचे वाला
सीट है, खैर कोई नहीं। 5:40 में इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर टाइम है कोयम्बतूर से, और अभी तो बाहर से देखोगे तो कुछ ऐसा लुक है, दिन में ना काफी कमाल का लगने वाला है। अपना नीचे वाला सीट का अस्पताल में घुसे हुए देख लो, सबका पैर और चप्पल ही दिखेगा हमें। देख लो कुछ सीट इसका मिडिल में है, कुछ एकदम लोअर, मतलब लोअर डेक बोलते हैं, और एक अपर डेक होता है, और ये हो गया मिडिल डेक। तो ये वाला फिर भी काफी अच्छा होता है, नीचे वाला तो स्पेस भी काफी कम कम सा लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों। वैसे तो अपना डिपार्चर टाइम था 5:40 का, अभी देख लो 5:48 हो रहा है, तो 8 मिनट लेट अपना ट्रेन यहाँ से डिपार्ट किया है कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से। लेकिन एक बात है, इस रूट में आपको नजारे कमाल के दिखेंगे, देख लो सनराइज भी हो रहा है काफी कमाल का, और क्या पीछे की तरफ मैं दिखाता हूँ, क्या बढ़िया सनराइज हो रहा है, और धीरे धीरे तो और भी अच्छा लगेगा ये आपको। ये रूट में मैंने पहले भी जर्नी किया हुआ है, तो इस ट्रेन से मेरा फर्स्ट टाइम है। वैसे आपको देख लो बाहर की तरफ वॉश बेसिन मिल जाएगा, और सामने की तरफ एक मिरर तो है ही, और दोनों साइड वॉशरूम। और इस ट्रेन में खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी बढ़िया ब्रेकफास्ट अभी मिलना स्टार्ट हो चुका है। अभी जाते हैं अपने सीट पे जो कि नीचे की तरफ है। ये हो गया पाताल लोक, ये ऊपर हो गया स्वर्ग लोक। तो देख लो ट्रेन तो अपना निकल चुका है, और यहाँ पे साथ में देख लो मस्त सुबह सुबह सत्य भाई ने हॉर्लिक्स का जुगाड़ कर दिया, नया आदत लग गया यार, जो भी बोले एक नया आदत लग गया है। अब जब भी साइड में रहेंगे हमेशा हॉर्लिक्स, कॉफी चाहे तो बोली जाओ, अभी अपना हॉर्लिक्स पीते हैं। फिर ट्रेन से रिलीज स्पीड है 100, उसका अभी स्पीड देख सकते हो आप 106 किलोमीटर पर आवर। वैसे मैं बता दूं आज हमारा जो जर्नी हो रहा है ना वो हो रहा है ट्रेन नंबर 2226 KSR बेंगलुरु उदय एक्सप्रेस में, और ये जो ट्रेन है डबल डेकर ट्रेन है जिसमें नॉर्मल कोचेस भी लगा हुआ है और डबल डेकर का भी कोचेस है, और ये जो ट्रेन है कोयम्बटूर से KSR बेंगलुरु के बीच में चलती है। अब मैं अगर आपको स्टॉप की बात करूं तो कोयम्बटूर से निकलने के बाद इसका जो सबसे पहला स्टॉप है वो है त्रिपुर, ईरोड जंक्शन, सेलम जंक्शन, कुप्पम, कृष्णा राजपुरम, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे 12:40 में KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन। तो ऐसा कुछ रूट है हमारा। देख लो एक चीज आपको दिखाता हूँ, ट्रैक देखो कितना नीचे दिख रहा है हमें। अभी अगर स्टेशन आएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, लोगों का पैर दिखेगा बस। ये आ गया अपना पहला स्टॉप त्रिपुर, वैसे प्लेटफॉर्म तो उस वाले साइड में, लेकिन ये रहा स्टेशन, यहाँ से देख लो आप लोग। त्रिपुर में अपने इस ट्रेन का बस 2 मिनट का हॉल्ट है, और ट्रेन बज रहा है। ये भैया आए थे इडली बड़ा, पोंगल बड़ा, ये सब कुछ लेकर, तो यहाँ पे देख लो मैंने इडली बड़ा लिया है, देखकर बढ़िया लग रहा है। वैसे ट्राई करते हैं बाद में बता देंगे आपको टेस्ट कैसा है, देखकर ही काफी टेस्टी लग रहा है ये तो। अभी ईरोड आने वाला है, जाते हैं आपको अराइवल दिखाते हैं पहले। एंटर करने वाले हैं ईरोड। वैसे जब भी ये ईरोड रेलवे स्टेशन देखता हूँ ना तो मुझे याद आता है अपना विवेक एक्सप्रेस का जर्नी। मुझे याद है सुबह सुबह का टाइम था और मैं फ्रेश भी नहीं हुआ था, वॉशरूम तक में पानी वगैरह भी नहीं था, मैंने कंप्लेन किया हुआ था तो बोल रहे थे कि ईरोड में पानी वगैरह सब कुछ रिफिल हो जाएगा। फाइनली ईरोड में जाकर मैं फ्रेश हुआ था, तो ये मेमोरी मेरा जुड़ा हुआ है विवेक एक्सप्रेस से। वैसे अपना ना अभी ट्रेन का आपको लुक भी दिखाऊंगा बाहर से, काफी कमाल का लुक है अपने ट्रेन का। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ईरोड, और ट्रेन अपना डिले चल रहा है 5-10 मिनट, और अभी मैं आपको दिखाता हूं ट्रेन का लुक बाहर से। तो देख लो जी अपना ट्रेन का लुक बाहर से कुछ ऐसा है, देख लो लग तो काफी कमाल का रहा है नो डाउट, और देख लो लवली बैठी है यहाँ इतने नीचे। बहुत नीचे की तरफ सीट है इसका, और ऊपर वाला देख लो फर्स्ट फ्लोर में, और जो नॉर्मल ट्रेन का सीट सब होता है वो मिडिल में। बाकी स्टेशन में देख लो फोन कवर वगैरह काफी कुछ मिल रहा है, बढ़िया है, नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है। ई रोड से अपना ट्रेन निकल चुका है, 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ भी, और ये ले लिया मैंने यहाँ पे देख लो कॉफी, देखकर थोड़ा बढ़िया लग रहा था इसलिए ले लिया। भाई बड़ा का तो नहीं पता, लेकिन इडली हम लोगों ने ट्राई किया ट्रेन में, इस क्वालिटी का इडली मज़ा आ गया, और चाय भी बहुत बढ़िया है। मैं बोला ना भाई साउथ के साइड में ना खाना पीना आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना।
अगर आप खाना लेकर नहीं भी आ रहा तो इस टाइप का इडली पोंगल ये सब ले सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है। तो देख लो अभी हम लोग क्रॉस कर गया हूँ मैं, होप कि आप लोगों को बाहर का नजारा अच्छा लगा हो, और भी बीच बीच में अगर कुछ दिखेगा तो वो दिखाऊंगा मैं। और कल जहाँ हम लोग रुके थे ना कोयम्बतूर में, वहाँ से हम लोगों ने ये लिया था देख लो, इसको केरला हलवा बोलते हैं, देख कर तो बढ़िया लग रहा है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। मजेदार सा लग रहा है ना, ये कैसे बनाया जाता है कैसे नहीं आइडिया नहीं है। काफी बार ना जब आप ऐसे जर्नी करोगे ना तो ट्रेन में आते हैं बेचने के लिए, गर्मा गर्म वो भी। चलो ट्राई करते बताते कैसा है। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ ना तो थोड़ा जेली जेली टाइप लग रहा है मेरे को, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मीठा है, बढ़िया। देखो अलग अलग जगह घूम रहे हैं, अलग अलग जगह का नया नया चीज सब ट्राई कर रहे हैं। हमारा जो ट्रेन है देख लो अभी पत्तचूर स्टेशन के पास रुका हुआ है। वैसे एक बात है देख लो, जेसीबी का खुदाई तो काफी लोगों ने देखा है, बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ देख लो जेसीबी की डिलीवरी, भाई काफी सारा जेसीबी है देखो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुप्पम और अपना ट्रेन चल रहा है अभी भाई बिफोर टाइम। हाँ जी, जो ट्रेन अपना चल रहा था डिले, अभी वही ट्रेन हो गया है बिफोर टाइम। चलो जी फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं कुप्पम रेलवे स्टेशन से, और यहां से समझ लो बेंगलोर पहुंचने में हमें 1.5 घंटे। आज पूरम में डिपोर्ट कर दिया है, इसके जस्ट बाद ही है बेंगलुरु, लेकिन हमारा जो होटल है यही पास में ही है क्योंकि सत्या भाई के घर के पास में ही होटल है हमारा। यही अपना ट्रेन है देख लो, अलग ही है यार, अपना ट्रेन का लुक देख लो काफी अलग है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे एक और बात है, ट्रेन ना ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही खाली हो चुका है ट्रेन यहाँ पे। चलो हम लोग भी चलते हैं होटल में, चेक इन करते हैं, रेस्ट करते हैं। और ये अपना ट्रेन था देख लो, बाहर से वापस से लुक देख लो ट्रेन का, गर्मी तो भयंकर है भाई। वैसे देख लो अपने इस ट्रेन में डबल डेकर का तो कोच था ही, साथ ही मैं दिखाता हूँ आपको इसमें आपको सेकंड सीटिंग का भी कोच मिल जाता है। देख लो अंदर से कुछ ऐसा लुक है इस ट्रेन का। होप कि आप लोगों को अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे को ये जर्नी करना था उदय एक्सप्रेस। ऑलराइट, तो कृष्णा राजपुरम में ट्रेन को डिबोर्ड करने के बाद हम लोग चले गए थे अपने होटल, और होटल जाके तो मैं तो भाई एकदम फ्लैट हो गया था। मतलब संदीप भाई का मुझे कॉल आया मैं आऊँ, मैं फोन जब रिसीव नहीं किया तो संदीप और सत्या भाई भी आऊँ। अभी फाइनली सब सोकर उठे हैं तो निकले हैं अभी वॉकिंग के लिए। एक्चुअली आज हमारा फिर से ट्रेन है जो कि आप नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देख लोगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और अभी हम लोग स्पेशली आए एक जूस कॉर्नर में, यहाँ का ये गन्ने का जूस बहुत फेमस है, आपने देखा होगा गन्ने का जूस जब बनाते हैं ना उसमें वो बर्फ डालते हैं, यहाँ पे गन्ने को ही जमा के रखे हैं। और एक अपने भाई मिला है मोहित भाई, कैसे हो भाई? Myself Mohit. तो चलो ये वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे, फिर रात के 11 बजे हमारा ट्रेन है, स्टेशन के लिए भी निकलेंगे। वैसे अगर मैं टिकट फेयर की बात करूँ तो मैं बता दूँ पर पर्सन 645 रुपीज हम लोगों ने पे किया है। तो चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, होप कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो, यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है। काफी जर्नी थी 645 में, और बाकी ये है के बढ़िया है, और राउट भी अच्छा था, ट्रेन भी डबल डेकर काफी। बायर से आपने देखा था कि एडवर्टाइजमेंट ये वो और कुछ एक्टर्स के जो वो भी फेसेस नजर आ रहे थे, तो बाकी कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पाकिस्तान में डबल डेकर नहीं है, बस तो है लेकिन नहीं है, ट्रेन नहीं है, ट्रेन होनी चाहिए। पंजाब वाली साइड में नहीं है, बसेस भी उधर बलूचिस्तान वाली साइड पे। बेटा थोड़ा दूर ले जा, फिर ईरान ले जा, नहीं बलूचिस्तान ले गया। पंजाब में क्यों नहीं, लाहौर में डबल डेकर है, डबल डेकर लाहौर में, मैंने सफर नहीं किया इस पे। तू गया ही नहीं कभी लाहौर, तुम्हें क्या पता? लेकिन वो ऐसे नहीं है कि रेगुलर चलती है, वो सिर्फ टूरिस्ट के मतलब टूरिज्म के जो टूरिस्ट है ना उनके लिए, मतलब आपने एंजॉय करना है। बाकी ये है कि इंडिया में डबल डेकर ट्रेन वैसे पहली दफा मतलब अब देखा है, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि ट्रेन में भी डबल डेकर होता है, जो बहुत प्यारी क्योंकि है हाँ अच्छी बनी हुई है और काफी। और जो डबल डेकर केबल्स थे जो कोचिस थी,
लेकिन इसमें तीन स्टेप नहीं नहीं दो 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 पहले ये होता है ये होता है नहीं उन्होंने ये बताया कि डबल डेकर एरिया नीचे जाके जो घुसने वाला था ना वो फ्रंट जब वीडियो देख रहे थे तुम सो रही थी तुम देखो दोबारा मतलब उन्होंने सीटिंग एरिया स्क्रीन के पास है जो शीशे जो आपको नजर आ रहे हैं वो ऐसे ही है सीटिंग एरिया इसने ही बनाया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ ना जहाँ पर मतलब वो मिडल नीचे वाले जो है ना जो डबल डेकर है वो आपको एक तो बिल्कुल नीचे नजर आ रही थी विंडो एक ऊपर आ रही थी जो दूसरे हैं उनके आपको मिडल में नजर आ रही थी मिडल में इसने तीन सब एक दो तीन ये छत पे भी चली गई छत पे चली गई चलें तो चलें गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट बिलो एंड वी विल बैक टुमारो विद अ न्यू लेटेस्ट वीडियो अभी के लिए इतना ही रखिए अपना ख्याल गुड बाय टाटा